हेलो, वेलकम बैक टू माय रेसिपीज़। तो आज मैं बनाऊंगी इजी सिंपल सी चटनी रेसिपी। शुरू करें बनाना इसको। तो आधा ही मूली ले ली मैंने, और हरा धनिया ले लिया है, और 2 साबुत लाल मिर्च ले ली, और रोस्टेड मूंगफली ले ली, और आधा टमाटर ले लिया। तो आप यहाँ पे तिल भी डालें, तिल से बहुत टेस्टी बनती है चटनी। तो मैंने यहाँ तिल डालना भूल गई, मैंने रोस्टेड मूंगफली डाल रही हूँ। और तो अब इन सबको बारीक पेस्ट बना लेंगे, मिक्सी के जार में पीस लेंगे इनको। तो यहाँ पे मैं मिक्सी का जार ले रही हूँ, और उसमें टमाटर, हरा धनिया और लाल मिर्च, रोस्टेड मूंगफली सबको डाल देंगे इसमें, और बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। तो धनिया मैंने बारीक थोड़ा काट लिया था, और अब इसमें टमाटर काट के डाल देंगे। और लाल मिर्च डाल देंगे, और रोस्टेड मूंगफली सबको डाल के और बारीक पीस लेंगे। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है, और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालें। तो अब इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए तैयार भी हो गई है चटनी। इसको एक मिनट भी नहीं लगता बनाने में। तो इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए तैयार हो गई है चटनी बनके। ये बहुत ही टेस्टी बनती है चटनी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।